बलविंदर सिंह राजू ने इतों जा के एक गल कह के गया कि मैं जाके संतोखे काले का सौदा लाना आ, इन्हें साढ़े सिंह शहीद कराए ने। तो उन्हें मेरे ख्याल 15-20 दिन बाद संतोखा काला जिन्होंने कि जेड सिक्योरिटी मिली सी सौदा लाता सीगा। सुरजीत कौर जिहड़े कि भाई बलविंदर सिंह राजू के माता जी ने वह पाठ करके हटे से, उन्नी देर में भाई जिंदे होरी पहुँच गए, भाई सुखे होरी। उन्होंने कहें कि माता साढ़े सिर पर हथ रख के सानू ये असीस दे कि असी जिन्हां लोगों ने दरबार साहब पर हमला किया असी उन्होंने सिर वड के लिए। जो पीड़ भाई जिंदे ने भाई सुखे ने अपने मन के लई दरबार साहब के हमले की, वो शायद सानू उस तरह महसूस नहीं होया। उन्होंने कहें खिच सीने खाधी उन्होंने, तो वह अपने घर बार छड़ के इस कम लई जिहड़ा आ कौमी संघर्ष की आजादी वास्ते तुरे। भाई जिंदा जिहड़ा आ वह इस किस्म का इंसान सी, उहदी बहुत सिंपल लाइफ सी। गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच मिल बैठे गुरु प्यारे, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछली बार भी भाजी बलाका सिंह बेनती की सी कि इस तरह का साडा जीवन नहीं कि सानू इस तरह का कोई मौका मिलया होवे कि असी इन्हां दे असी तां इन्हां दे चरणां दे पैरां दी धूड़ दे बराबर हाँ। जिन्हां लोकां ने संघर्ष लड़े ने अपनियां जानां इस कौम लई वारियां ने, मैं तुहाडे नाल बहुत कुछ जिहड़ा आ उह कहा जा चुका स्टेज तो भाई साहब की शहादत बारे, भाई सुखे जिंदे बारे जिन्हां दा शहीद दिन मना रहे हाँ। मैं थोड़ा जिहा एक डिफरेंट परस्पैक्टिव तो तुहाडे नाल जिहड़ी आ उह गल करनी चाहुंदा आ। मैं चार क वाके जिहड़े जिंदगी दे ने जिहड़ा बीबियां नाल नाल भाबियां भैणां नाल जिहड़ा भाई जिंदे दा ते भाई सुखे दा जिहड़ा व्यवहार सीगा मातावां दे नाल सीगा, मैं थोड़ी जी तुहाडे नाल उहदे बारे समझ पाउणा आ। उहदे नाल तुहानूं उहनां दे जिहड़े परसनल जीवन बारे जिहड़ी टच आ बंदे दी लाइफ दी कि उह वी साडे वांग ही घरां च रहण वाले अपने माँ प्यो दे घरां दे विच रहण वाले अपनियां भैणां भाबियां चाचे तायां दे विच रहण वाले एक परिवार दे लोक सी। पर कहिंदे ने कि हर दुख की पीड़ खास करके मानसिक दुख की पीड़ जिहड़ी हर मनुख वास्ते वक्री है, जो पीड़ भाई जिंदे ने भाई सुखे ने अपने मन दे विच लई दरबार साहब दे हमले की, वह शायद सानू उस तरह महसूस नहीं होया। वह उन्होंने कहिंदे खिच सीने विच खाधी उन्होंने, तो वह अपने घर बार छड़ के इस कम लई जिहड़ा आ कौमी संघर्ष की आजादी वास्ते तुरे। पहला वाक्य जो मैं साझा करना चाहुंदा आ वह तुहाडी संगत दे मैंबर सीगे भैन जी दविंदर कौर होरी, उन्होंने मैंने दस्सिया कि जिंदा भाई लाभ सिंह होरी बापू ते भाई चन्नी होरी ये सारे जने इक्को मतलब मंजे ते बैठे सवेरे सवेरे स्टील दे गलासां दे विच चाह छक रहे सी। तां भैन जी कहिंदे मैं चाह लै के आई। उन्हां दिनां च जिहड़ियां बीबियां ने वह बहुत घट गल करदियां सी बंदियां दे नाल, उन्हां नूं अपने सरदार बारे तां पता ही सीगा। तां भैन जी दविंदर कहिंदे मैं उन्हां नूं कहा भई तुसीं सारे इत्थे बैठे रहिंदे हो, वह निक्का जिहा मुंडा आ तुहानूं उहदे बारे नहीं पता लगता, उहड़ा जिंदा आ दिल्ली दे विच, वह मुंडा असली कम करता है। तो वह भाई जिंदे होरी कहिंदे बैड चो कहिंदे उठे एकदम कहिंदे हाँ भाभी कहिंदे जदों कितें जिंदा आया ना मैनू जरूर मिलाई, कहिंदा मैं भी वेखना कहिंदे इन्ना चुस्त मुंडा आ। नाले कहिंदे वह लाभ सिंह दे नाल उहदा की संबंध आ, लाभ सिंह जिहड़ा आ वह अमृतधारी गुरसिख बंदा आ, वह मेरे वांग मुन्ना घोना है पर भाजी की इज्जत बहुत करता, वह कहिंदे तू रहण दिया कर मैं गल्लां मारी जांदा, कहिंदी वह तो सिख्या कर कुछ। एक परसनल वाकया था भैन जी दविंदर कौर का भाई लाभ सिंह की सिंघणी का भाई लाभ सिंह के नाल। इस तरह ही जदों लुधियाने दे विच जदों बैंक की डकैती हुई आ तो एक घर किराए ते लिया होया सीगा, उस घर दे विच जिहड़े सारे सिंह सीगे वह हाजिर सीगे, तो भाई जिंदे होरी बाहरों कुछ स्कूटर ते जा के मोपड़ सीगे ते जा के कुछ खाण लई थोड़ा बहुत समोसे समोसे वगैरह लैके आए, तो डोर खोलण दे वास्ते भाई बावे की जिहड़ी सिंघणी आ वह बाहर आए, तो नाल जिहड़ी गुआंढण औरत सीगी वह कहिंदी मैं तेरे नाल गल करनी आ, उन्हां दा नाम उत्थे रखिया सी कुछ होर। तो
भाई लाभ जो अंदर चले गए दोबारा फिर थोड़ी देर बाद भाई बावे की जी सिंघनी अंदर आए तो वह कहते जिंदे अज तेरे रिश्ते बारे पुछती सी गुआंढण कहती इन्ना चंगा मुंडा आने तुहाडे घर दे कम करदा कल मैं कहा सी मेरी भी सब्जी लिया ने बाजारों जाके इन्ना चंगा मुंडा साडी गुड्डी आ ते तुसी रिश्ता ले लो साडे कोलों कहता भाभी फिर तू की क्या तू तो भानी मारी होनी आ कहती हाँ मैं भानी मार के आई हाँ मैं उन्होंने कह के आई हाँ पहला विआह है ये इस तरह दियां जिहड़ियां गल्लां बातां ने अपनी लाइफ दे विच भाई जिंदा जिहड़ा आ ओ इस किस्म दा इंसान सी उहदी बहुत सिंपल लाइफ सी ओ भी साडे वांग एक पेंडू घरां दे विच रहण वाला इंसान सी पर उस दे मन दे विच जिहड़ा प्यार सी इहदे नाल एक थोड़ा सीरीयस नोट हो रहा तुसीं सारिआं ने भाई बलविंदर सिंह राजू जिहड़ा कि राजस्थान तो सी उहनां दा नां सुणिआ होणा है एक बहुत वड्डा मुखबर होया जिवें पिंकी कैट सी जिवें पंजाब दे विच एक संतोखे काले नां दा कैट सी इत्थों फ्रिजनो तो बलविंदर सिंह जिहड़ा आ राजू फ्रिजनो कैलीफोर्निया दे विच रहिंदा सी उहदे कोल वी पेपर सी साडे वांग ग्रीन कार्ड होल्डर सीगा उहने पहलां वी संघर्ष दे विच हिस्सा पाया सीगा उह बलविंदर सिंह राजू ने इत्थों जा के एक गल कह के गया कि मैं जा के संतोखे काले दा सौदा लाउणा आ इहने साडे सिंह शहीद कराए ने तो उन्हें मेरे ख्याल 15-20 दिन बाद संतोखा काला जिन्हों के जेड सिक्योरिटी मिली सी उहदा सौदा लाता सीगा भाई बलविंदर सिंह जिहड़ा आ राजू उहदी माता ते भाई जिंदे दे जिहड़े पिता जी ने सॉरी भाई राजू दे पिता जी ते भाई जिंदे दी माता पछ भैण भरा ने भाई बलविंदर सिंह ने ही भाई हरजिंदर सिंह जिंदा ते भाई सुखदेव सिंह सिखा क्योंकि सुखदेव सिंह जिहड़े सीगे उह बलविंदर सिंह दे नाल जिहड़ा ज्ञान ज्योति कॉलेज आ राजस्थान च उत्थे इकट्ठे पढ़दे सीगे उत्थे उहनां दी उहनां ने मुलाकात कराई सी आपस च भाई जिंदे ते सुखे दी कहिंदे ने कि जदों इह घर पहुंचे ने तां माता सुरजीत कौर जिहड़े कि भाई बलविंदर सिंह राजू दे माता जी ने उह पाठ करके हटे सी महाराज दा सरूप जिहड़ा संतोखिया सी उन्नी देर नूं भाई जिंदे होरी पहुँच गए भाई सुखे होरी उन्होंने कहिंदे कि माता साडे सिर ते हथ रख के सानू ये असीस दे कि असी जिन्हां लोकां ने दरबार साहब ते हमला किया असी उन्हां दे सिर वढ के लईए इदां दे जिहड़े मन दे विच शौक ने रब ही पैदा करदा है ये कोई ये नहीं कि तुहाडी इहदे कोई ट्रेनिंग है इहदे बारे जां ये गुरु दीआं बख्शिशां नाल मिलदा है सारा कुछ कहिंदे माता कहिंदी कि मैं अरदास कीती आ हले हुण मैं अरदास करके हटी हाँ तो मैं हुण दोबारा फिर ही अरदास कर दूंगी पर मैनू ये दसो कि तुहाडे विच्चों गुरु का हंस किन्ने बनना है तो जिहड़ा बगला है वह किन्ने बनना है माता नूं कहिंदे माता मतलब की तेरा इस गल दा वह कहिंदे भी जे तो तुसीं एवें गरीब तुरे तुरे जांदे लोकां नूं जिहड़ा आ खालिस्तान बारे तंग करना आ ते बगले वांग जिहड़ा वह शतानियां करनियां ने कि तुसीं हंस वांग मोती चुगणे आ जिंदगी दे जिहड़े सच्चे सुच्चे राह ने उहनां दे चल के इस खालिस्तानी संघर्ष नूं परपक करना आ तां भाई जिंदे ने अपनी भूआ दा हथ फड़ के सिर ते रखिया ते दूजा हथ भाई सुखे दे हत्थे रखाया कहिंदे ने उस वेले जिहड़ा इन्ना माहौल शांत हो गया कमरे दे विच कि एक नौजवान चढ़दी उम्र का मुंडा जिहदा हले जिंदगी दे बड़े जिहड़े अहम गल्लां हुंदियां ने लाइफ दियां जिन्हां 'च तुहाडी पढ़ाई आ तुहाडे मंगणे ने तुहाडे विआह ने तुहाडियां जॉबां ने तुहाडियां होर शरारतां ने उहनां नाल वाह पैणे हुंदे ने जदों जिंदे ने कहा कि मम्मी इस गल दा यकीन रख ते अरदास कर कि मैं उहनां लोकां दे सर वढ के लैके आवां जिन्हां लोकां ने साडा दरबार साहब ढाया है जिन्हां लोकां ने साडियां धीआं भैणां नूं नंगियां करके दिल्ली दे बाजारां 'च घुमाया है मेरी अरदास कर सो शायद साडे लई जिहड़े ओह सिंघ सी जिन्हां दा इस किस्म दा उहनां दा जीउणा सीगा इस किस्म दा उहनां दे लाइफ दे नाल प्यार सीगा अज जिहड़ी साडी भैण मनीषा जिहनूं के रेप करके उहनूं बड़े घटिया तरीके दे नाल उत्थों दे जिहड़े उच्ची जाति दे लोक ने उहनूं मारिया सिर्फ ये कह के कि वह एक नीवीं जाति की कुड़ी सी अज शायद उह जिहियां भैणां उह जिहियां बच्चियां बाबे जरनैल सिंह नूं उड़ीक रहियां ने भाई जिंदे सुखे नूं उड़ीक रहियां ने
सिखां कोलों इस गल दी मंग करदियां ने कि सिख जिहड़े ने उह गुरु गोबिंद सिंह दे लाल बन के इस धरती दे उत्तों इस किस्म दा जिहड़ा जुल्म आ उहनूं समाप्त कर सकण। समा बहुत थोड़ा आ, मैं सिर्फ टूक मात्र इह गल कहनी चाहुंदा आ कि देखो असीं पंजाब नूं बिलोंग करन वाले लोक हाँ, असीं सब किसानां दे पुत हाँ। मेरी हथ जोड़ के बेनती आ कि जिस तरह असीं इस संघर्ष जो किसानों का संघर्ष चल रहा है उन्हें थोड़ा जिहा नेड़े हो के देखिए, पंजाब दे विच इस वेले जिहड़े पंजाब दे लोक ने वो एक डिफरेंट तरीके नाल उठे ने। वो इकनोमिक रीजनस के उत्ते इस वेले फोकस नहीं कर रहे कि सानू कणक का भा ज़्यादा दो, MSP करो। वो पंजाब दे लई खुद मुख्तियारी मंग रहे ने, वो पंजाब दे जिहड़े बणदे हक ने वो इंडियन स्टेट नूं एक गल कहण लई तैयार हो गए ने कि जे तू साडा पानी चोरी ना करें, साडी बिजली चोरी ना करें, तो सानू मुफ्त बिजली की लोड़ नहीं, ना सानू मुफ्त पानी की लोड़ आ। असीं उत्थे अपने रिश्तेदार नाल गलबात करके जिहड़ा नैरेटिव चेंज हो रहा इस वेले कि वो लोग ये गल दे उत्ते धैया करके जोर देण कि असीं जिहड़ी पंजाब दी किसानी आ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭੀਏ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭੀਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।